तो इस वक्त हमारे सामने जो स्टॉक है ये यारी डिजिटल सर्विसेज। यारी डिजिटल सर्विसेज जो है एक रीसेलिंग प्लेटफॉर्म है। अगर हम की इनकी साइट पे जाकर देखें तो आपको ये काफी क्लियर होगा कि यारी इज एन वर्क फ्रॉम होम बिजनेस। जो नॉर्मली मीशो हो गया, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज देते हैं ऑन फ्रॉम होम विद जीरो इन्वेस्टमेंट। ये काम कर रही है ये कंपनी, यानी इसे कहते हैं रीसेलिंग बिजनेस। रीसेलिंग बिजनेस ऐसा होता है जहाँ हम जिनके भी होलसेलर्स हो गए, जितने भी जिनके गुड्स नहीं बिक रहे होते, यहाँ हम जो है यहाँ हम मिडिल क्लास लोगों को जो है कमीशन ऑफर करके उनके गुड्स बिकवाते हैं। इसे कहते हैं रीसेलिंग बिजनेस। ये काम यारी डिजिटल सर्विसेज का है। अगर हम गहराई में जाकर देखें तो ये कंपनी अराउंड 2018 और अगस्त में इसने ऑल टाइम हाई अपना टच किया था, जो कि 800 रुपये का है। ऑलमोस्ट 800 रुपये का ऑल टाइम हाई था। और देखने में फिर जो 2018 के बाद जो फॉल शुरू हुआ है इसका, कमेंडेबल। मतलब एक समय था जब इसने जो है एक साल में अराउंड कह सकते हैं 20 गुना रिटर्न दे दिया था, 20 गुना। लेकिन जो तेजी से ये गिरा है, इसने जो वैल्यू को इरोड किया है, वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है ये। लेकिन इस वक्त हमें ये देखना है कि करंट फाइनेंशियल स्थिति कैसी है इस कंपनी की। तो जाकर अगर हम नीचे जाकर देखें अगर इसकी करंट स्थिति, तो हमारे सामने एक बैलेंस शीट आती है, एनुअल बैलेंस शीट जिसे कहते हैं। एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस भी चेक करते हैं हम, एनुअल बैलेंस शीट भी देखते हैं। तो अगर हम देखें तो मार्च 2020 में इसने एक 296 करोड़ का अराउंड लॉस किया है, जिसका कारण अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक देखें तो ज़्यादा लॉस नहीं है, लेकिन इसके जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो बहुत हाई था। वेरी हाई इंटरेस्ट पेमेंट ने जो है इसकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को जो है ऑलमोस्ट गिरा दिया, और लॉस हैवी लॉस में जो है हो गया कंपनी। मार्च 2019 में तो ये कंपनी जो थी वो 73 करोड़ के प्रॉफिट में थी। अगर इसके 2018 के प्रॉफिट से कंपेयर करें तो इस कंपनी ने जो है अराउंड 25 टाइम्स अपने अपने नेट प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा दिया। लेकिन इस मार्च 2020 में जिसकी 296 करोड़ का लॉस हुआ, इसे इसका मेजर कारण था हाई इंटरेस्ट पेमेंट, वेरी हाई इंटरेस्ट पेमेंट। लेकिन अगर हम इसकी बोरोइंग्स में जाकर देखें तो इसी साल में इस कंपनी ने जो है बोरोइंग्स अपने बोरोइंग्स को अराउंड 60% जो है घटा दिया है। 60% अपने बोरोइंग्स को जो है रीपेमेंट कर दिया है उनका। अब इसकी वजह से आप इसकी जो है मार्च 2021 की जो बैलेंस शीट है वो तो खैर ठीक ठाक है ही, जहाँ इंटरेस्ट पेमेंट इतना जो है इतना हाई नहीं है, आई मीन रिड्यूस हुआ है। लेकिन जब इतनी सारी पेमेंट हमने कर दी है, तब अगले साल तो इंटरेस्ट पेमेंट बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट का तो पता नहीं, लेकिन ओवरऑल जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। क्योंकि रोज़ जो हर साल नॉर्मल इंटरेस्ट पेमेंट आते थे वो बहुत बड़े बड़े आते थे, लेकिन अब हमने इसे रीपेमेंट कर दिया है। तो अब रेवेन्यू साइड से तो पता नहीं, लेकिन एक्सपेंस साइड जो है कम हो जाएगी। किसी भी धंधे में प्रॉफिट बढ़ाने के जो एक विकल्प है वो ये है कि सेल्स बढ़ा दो या खर्चे घटा दो। ये कंपनी जो है कंपनी की खर्चे घटाने से जो है ये कंपनी प्रॉफिट में आने के बहुत चांसेस हैं। इसने ऑलरेडी अपनी ओवरऑल जो लॉस मेकिंग चीज़ें हैं इस वाई ओ वाई अगर हम कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 50 से लेके 60% अपनी लॉस मेकिंग लॉसेस को घटा दिया है इस साल। और अगर हम ध्यान से देखें तो रिजर्व्स बढ़ रहे हैं इस साल, बोरोइंग 60% से लेके 70% जो है गिर चुकी है। और एक और बात, ये अगर हम इस बिजनेस को देखें यारी वर्क फ्रॉम होम, ये जनरली ये जो चीज़ है वो हम सभी को पता है कि आजकल जो जॉब्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनसस्टेनेबल है। इस अनसर्टेन दुनिया में हर आदमी पैसिव इनकम के पास जाता है। सो पैसिव इनकम के कई सारे साधन हैं, शेयर मार्केट हो गया, डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, और एक तीसरा साधन है जहाँ यारी।
ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जहाँ जहाँ जो सर्टेनिटी ऑफ पैसिव इनकम हाईएस्ट है, क्योंकि यहाँ आप अपनी सेल्स की काबिलियत से बढ़ाते हैं, और ये चीज़ शायद हमारे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के तबकों को बहुत मोटिवेट करे इससे। अब हमारे पास एक बात आती है, वो है कि यारी डिजिटल सर्विसेज की सबसे अच्छी बात है कि बुक वैल्यू जो है 46 रुपीज़ पर है, यानी इस वक्त ये अपनी बुक वैल्यू से शायद 2.2 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, तो ज़्यादा ओवर प्राइस भी नहीं है इस वक्त। सो आई थिंक इस पर एक प्रॉपर सपोर्ट अगर हम इसका देखें, तो हम इसको डेली चार्ट पर खोलना पड़ेगा हमें, और अगर हम इसका सपोर्ट देखें प्रॉपर, तो सपोर्ट तो ऑलरेडी इसने तोड़ दिया है, लगभग 105 पे सपोर्ट था और तोड़ दिया है, और अभी जो मुझे लगता है जो नेक्स्ट सपोर्ट जो बैठ रहा है, वो बैठ रहा है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स 89 से लेके 89 का जो है सपोर्ट बन रहा है। तो आई थिंक इसे इसमें इस वक्त से कल से SIP शुरू करना चाहिए और 91 पे लमसम कर देना चाहिए। रिस्की बैट है लेकिन कोई बात नहीं, डाइवर्सिफाइड बैट बना दीजिए इसे, अपने पोर्टफोलियो का 10% 20% दे सकते हैं और रिस्क टेकिंग पूरा का पूरा डाल सकते हैं। रिस्क टेकिंग बैट है लेकिन एक सीरियस बैट है, और इसका जो टारगेट हो सकता है मेरे ख्याल से अराउंड 130-140 40% रिटर्न के लिए इसमें खेला जा सकता है।